तो यार सोनी की मैडम वेब मूवी का रन टाइम रिवील हुआ है। इंडिया में सोनी की बिग बजट शक्तिमान मूवी का अपडेट आया है। सेंट्री के रोल को एक और एक्टर ने मना कर दिया है और एमी अवार्ड्स में 53 नॉमिनेशंस के बाद भी बेटर कॉल सॉल को एक भी अवार्ड नहीं मिला है, जो कि मेरी नजर में एक क्राइम है। तो ऐसी ही बहुत सारी न्यूज में जो पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड हुई थी उन पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आज, और शुरुआत बेटर कॉल सॉल की न्यूज से ही करते हैं। और जो भी न्यूज़ तुम्हें रिलेवेंट या रिलेटेबल ना लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किप कर लेना। तो टीवी शोज के बिगेस्ट अवार्ड शो द एमी के इस एडिशन में सक्सेशन और द बेयर जैसे शोज को काफी अवार्ड्स मिले, लेकिन एक चीज काफी ऐतिहासिक भी हुई। मेरे काफी फेवरेट शो बेटर कॉल सॉल को 6 सीजन में टोटल 53 नॉमिनेशंस के बावजूद आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है, 0 अवार्ड्स। और जो दूसरा ऐसा अनलकी शो रहा है उसके नॉमिनेशंस बेटर कॉल सॉल के आसपास भी नहीं थे। ये 80s का एक सिटकॉम न्यू हार्ट था जिसको 25 नॉमिनेशन मिले थे बट एक भी अवार्ड नहीं मिला था। अब देखो, एक पहलू ये है कि अवार्ड मैटर नहीं करते हैं, ये सिली होते हैं। और काफी बार तुमने खुद भी देखा होगा कि चाहे ऑस्कर्स हो या एमी हो या और भी बड़े अवार्ड्स, ऐसे एक्टर्स और प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलते हैं जो सच में डिजर्व करते हैं। द वॉयर जैसे शो को 5 सीजन में केवल एक नॉमिनेशन मिला और वो भी अवार्ड में ट्रांसफर नहीं हुआ। और इट्स ऑलवेज सन इन फिलाडेल्फिया जैसे शो को 16 सीजन्स में एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन इन शोज को फैंस का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिला है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये अवार्ड्स इससे बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं। बट एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बेटर कॉल सॉल एक नियरली परफेक्ट शो था सारे ऑड्स के अगेंस्ट, एक ऐसा आइडिया कि ब्रेकिंग बैड जैसे शो का स्पिन ऑफ, जिसकी वजह से इस शो पर हमेशा से ही एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ था। जबकि लग रहा था कि ब्रेकिंग बैड के लेवल को कोई टच नहीं कर सकता है, तब बेटर कॉल सॉल ने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चाहे बॉब ओडेनकर्क हो या रिया सिहोर्न हो या और भी लोग हो, सब ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस इसी शो में दी है। विजुअली शो का हर फ्रेम एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसा था, कई सारी अलग अलग स्टोरीज धागों की तरह थी जो तुमसे अटेंशन की डिमांड करती हैं, जिसको देखकर तुम सिर्फ एंजॉयमेंट ही फील नहीं करते हो बल्कि खुद को स्मार्ट भी समझने लगते हो। ये तुम्हें ग्रोन अप जैसा फील कराता है, और इतने सारे सीरियसनेस के बीच ये शो उतना ही डार्कली फनी भी है। अब इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको अवार्ड्स मिले हैं वो डिजर्व नहीं करते थे। सक्सेशन जैसा शो भी अपनी जगह पर ब्रिलियंट है, लेकिन जिस लेवल का शो बेटर कॉल सॉल क्राफ्ट किया गया था तो 53 नॉमिनेशंस में से एक भी अवार्ड ना मिलना शॉकिंग तो था ही। खैर, इस शो के अवार्ड्स की जर्नी की एंडिंग भी शो की एंडिंग जैसी ही थी। सॉल गुडमैन को कुछ मिले या ना मिले, हम सबका फेवरेट वो हमेशा था और रहेगा। जब भी कोई अच्छे शो का सजेशन मांगेगा तो उसमें बेटर कॉल सॉल का नाम जरूर होगा। अब इस रैंटिंग के बाद बात करते हैं सोनी की नेक्स्ट मॉर्बियस लेवल मूवी मैडम वेब की, जिसका रन टाइम सामने आया है। ये मूवी 1 घंटे 56 मिनट की होने वाली है, यानी ये सोनी के इस स्पाइडरमैन यूनिवर्स की लॉन्गेस्ट मूवी होने वाली है। अब जैसा इसका ट्रेलर था, कोई ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं मूवी से मुझे, लेकिन मेरी डकोटा ने इतने प्यार से मूवी देखने के लिए बोला है तो दो बार तो देखनी पड़ेगी। I know that when you see Madam Web, you're gonna love it. In fact, I think you're gonna see it twice. नेक्स्ट न्यूज DCU से है। तो द विचर स्टार आन्या कोलैट्रा क्रीचर कमांडो शो में सर्सी की कैरेक्टर को वॉइस देंगी। अब नेक्स्ट न्यूज स्टार वॉर्स यूनिवर्स से है कि द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू मूवी के अनाउंसमेंट के बाद शायद अब द मैंडलोरियन शो का सीजन 4 कभी नहीं आएगा। एक और र्यूमर में मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री के रोल के लिए स्टीवन यू के बाद यूफोरिया एक्टर ऑस्टिन एब्राम्स ने भी मना कर दिया है। अब मेरे ख्याल से तो स्टीवन सेंट्री के लिए परफेक्ट होते, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने पास कर दिया। अब एक टाइम पर तो र्यूमर ये भी था कि रैन गॉसलिंग सेंट्री प्ले करेंगे, तो देखते हैं मार्वल की सेंट्री की खोज कहां पर जाकर खत्म होती है। इसके अलावा अपनी शक्तिमान मूवी जो कि सोनी वाले बना रहे हैं उससे रिलेटेड एक र्यूमर आया था कि उसका काम रोक दिया गया है, बट सोनी के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मूवी अपने तय शेड्यूल पर ही आगे बढ़ रही है। अब अभी तक इससे रिलेटेड कुछ ही चीज़ें पता हैं हम लोगों को, जैसे कि शायद इसको मिनरल मुरली मूवी के डायरेक्टर बैजिल जोसेफ डायरेक्ट करेंगे और रणवीर सिंह में भी गंगाधरी शक्तिमान बनेंगे। अब अगर काफी कम बजट में हनुमान जैसी अच्छी सुपर हीरो मूवी हम लोग को मिल सकती है तो मेरा मानना है कि अगर सही से बनाया जाए तो शक्तिमान वही पुराना वाला अपना क्रेज वापस ला सकता है। इसके अलावा तुम लोग के सजेशन के बाद सोलो लेवलिंग भी देखना स्टार्ट किया है, और यार सेकेंड एपिसोड तो क्या ही शानदार था। फर्स्ट एपिसोड के बाद मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, लेकिन अब कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा मॉन्स्टर वर्स का मोनार्क शो भी कंप्लीट हो गया है, काफी एक्साइटमेंट के साथ मैंने देखना स्टार्ट किया था, बट 3-4 एपिसोड्स के बाद मुझे बोरिंग लगने लगा। और सीजन के कंप्लीट होने के बाद काफी तारीफ सुनने को मिल रही है, तो सोच रहा हूँ इस वीकेंड इसके बचे एपिसोड्स को भी निपटा डालूंगा और फिर डिस्कस करेंगे इसको। अब अगर तुमने पूरा शो देखा है तो बताना कैसा लगा कमेंट्स में। तो ठीक है, आज IC News के इस एपिसोड में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्फीयर।